ट्राई करता रहा। फिर मैं शाह साहब जी की दुआ हासिल की थी, मैं शाह साहब को फोन किया, मैं कहा शाह जी इस तरह गल है तो तुम करो। शाह जी ने बंदे से शाह साहब ने एक्सप्लेन किया कि यह अफर साहब तो बैन नहीं लगना, मैं सारी कोशिश कर रहा सारे बंद फोन किया लेकिन किसी ने नहीं मनी। तो शाह जी भी नहीं आ सकते, शाह कहने सर मैं इस कबूतरबाजी चो इतने कबूतरबाजी से ना आया कि इस वजह कि इतने पता कि बंदे गल नहीं मनते, वाक साहब के फैसले नहीं आते। तो मैं शाह साहब अगर रिक्वेस्ट की थी कि शाह साहब प्लीज तुम आओ क्योंकि थोड़े बगैर मसला हल नहीं होना। तो मैं आज इसी सिले फिर मैं स्पेशली टाइम कटिया तो मैं अगर बैठे मेरे दोस्त है निजावर साहब बैठे भाई अक्रम साहब बैठे उस्ताद अमजद साहब बैठे आफर साहब बैठे असं सारे इतने बैठे हैं। मैं इसी सिले शफील तशरीफ लिया हाँ तो शाह साहब की खिदमत हासिल की है, शाह साहब की पूछा है, शाह साहब की मेहरबानी है, शाह साहब मेरी गल सुनी है। तो हकीकत गल सब बयान की है, अल्लाह अल्लाह जानता है सिर्फ कबूतर परवरी को बचाने वास्ते। मेरा किसी पार्टी का कोई तलक नहीं किसी किस्म का, सिर्फ एक अच्छा सो शौक लैके अस चले सर कि अस ये कहने खत्म ना हो। शाह जी तुम की करो इस बारे में सब तो पहला तो मैं शुक्रिया अदा करना है कि तुम मेरे अज मेहमान आए हो अल्लाह की रहमत है। तो जो कोई मेहमान आंदा है अपना आसमी लैके तो उन्होंने पहले नबी करीम भी फरमाते हैं कि अपने मेहमान की इज्जत करो तो जो भी कोई उन्होंने मामलात ने हल करना चाहिए। तो वो बाद मोहद ने मैं हकीकतन गल है इन्हें मैं फोन किया बड़े प्यार मुहब्बत न एक बार तो मैं क्या मैं इस कबूतर परवीर के युग मैं उनका पिछा हट गया बहुत दो तीन साल हो गया। क्यों मैं पिछा हटिया कि अगर कबूतर परवीर असी देखो एक साढ़े इन्नी वाले 60 हो गया अगर कबूतर परवीर साढ़े साथियों की इज्जत नहीं यार बरादर की इज्जत नहीं तो मकसद कोई नहीं है शौक है प्यार मुहब्बत आला। मैं इन्होंने समझाया मगर इन्होंने कहा नहीं शाह साहब तुम कैसे ऑनेस्ट बंदे हो एक न्यूट्रल बंदे हो मेरी नज़र में तुसी एक अच्छे उस्ताद भी हो अच्छे खिलाड़ी भी हो और अच्छे इंसान भी हो। फिर ही कहना ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों के असं कदमों के खाक हाँ इन्हों का जिक्र किया इन्हें मैं आख्या भाई मूद बस करो इंशाल्लाह मैं कबूतर परवीर युग दी कि पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से हक का फैसला किया है तो कबूतर परवीर वास्ते जो मेरे को अच्छा सफर मैं करा मैं अच्छाई भी थोड़ा साथ देंगे बुरियाई भी साथ नहीं देंगे। अज ऐसे मामलों में आए ने हकीकतन गल है कि मैनू वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा जरूर पता है मगर डीपली मैं इस मामले का जोड़ा वाक्य होया भाई आबद का इस वाक्य का मैं नहीं पता आया। अज फिर जिस टाइम बैठे हाँ माशाल्लाह जो कुछ हो सके है मेहमान की खिदमत करना वो एक सवाब है। तो वो बाद मैं फिर वारों बारी भाई अमृत को भाई अक्रम को भाई आबद को अपना चोई साहब को बाद अपना भाई मूद को मैं वारों बारी पूछे डीपली पूछे कि मैं दसो कबूतर परवी जो मसला मिसाल होया। तो देखो मेरे वास्ते इस कबूतर परवी देखो ब्रैडफोर्ड तो लैके तो बर्मिंगम तक तो लंदन तक जो मेरे सीनियर आर्गनाइजर ने उन्होंने पता है कि कबूतर परवी जे जे उस्ताद जे आर्गनाइजर असी है इस कबूतर परवी बचाने वास्ते इस कबूतर परवी प्रवान करने वास्ते यूथ के असी हर जगह गए हैं लेकिन दरख्त नहीं लाता हर जगह पर असी दरख्त लाया हर जगह तो शौक वधाने वास्ते। जो भी कोई भी बंदा नहीं सुनता असं पुछते असी यार उस्ताद खिलाड़ी तुम क्यों नहीं मंगवाया। अल्लाह पाक ने देखो इंसान असं सारे जिन्हें बैठे हुए हैं हर इंसान एक गलती खताकार है हो जाए। मैं एक चीज़ जानना मेरे प्यारे नबी कहते हैं कि देखो किसी गलती हो जाती है ना तो माफ़ करने वाला सब तो वड्डा है। तो अज मैं मेरे घर मेहमान आए ने कबूतर परवर ने इन्हों मेहनत ने ठीक है हमेशा फिर मैं लफत बोल रहा मेरे प्यारे कहते हैं कि जिस बंद ने कुछ छाइया कीतिया ने ना उन्होंने छाइया का ख्याल करो उन्होंने बुराइया ना फड़ो ठीक है। तो मेरा हूँ एक मैसेज है ना यूके की जिन्हें भी मेरे कबूतर परवर मेरे सासा मेरे मेरे तुम मेरे सारे काबले तराम सिर्फ थोड़े अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है मैं मैसेज मैसम भर रहा कि देखो मेरी नज़र में कबूतर परवर इंसान वो है कि जोड़ा कबूतर परवर बचा कट्ठिया करता है। तो साढ़ा रिकॉर्ड वेख लो जे असी कि कबूतर परवर नुकसान किया है तो मैं इस चीज़ का जो मेरे भरा है मैं इस चीज़ का हकदार नहीं। तो अज मैं मैसेज तो अगर भर रहा कि जड़िया कोई गलत फहमिया
हो गई ने ते तुहाडे कि मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही हाँ कि देखो कोई भी मामला तो ना उच्ची आवाज नाल मामला खत्म नहीं होते प्यार नाल हल होते हैं। असी छोटे जे स्थान हाँ छोटे जे असी उस्ताद हाँ तो छोटे जे वर्कर हाँ मगर इस चीज़ का असी कलमा छत कर पढ़ना है कि औखदा गवाया कबूतर परवीर नूं बचाउण वास्ते हर जगह मैं साथ दिता है इत्थे भी दिया दा ते हुण मेरी रिक्वेस्ट है ये कि पिटा भरा दे जिहड़े मेरे साथा ने भाई ने वीर उन्हां वास्ते लंदन विच जिहड़े मेरे जिहड़े कबूतर परवीर नाल प्यार करदे ने मेरा मैसेज उन्हां नाल है। उहदे बाद ब्रैडफोर्ड विच ने जिहड़े मेरे साथा मेरे वीर मेरे भाई ने मैनचेस्टर इत्थे मेरे को आए ने सिर्फ इन्ना है कि जदों इंसान का हकायक का पता चल जाता है ना तो एक कबूतर परवीर जी ना ये मैं भाई अमजद हर बंदे कहना कि किसी की ज्यादादरी नहीं ये हक है। कोई जिथे ऑर्गनाइजर है ना उसकी एक ड्यूटी लग जाती है तो तुम्हारी मेहरबानी है मैं मैसेज सिर्फ यह दे रहा अज ए मेहमान मेरे घर आए हैं किस वजह तो आए हैं इन्हों की वजह तो आए हैं मैं इस तू पिछा हटिया खुदा गवाह है मैं बिल्कुल न्यूट्रल बंदा हाँ हक सच का फैसला करना रहा अज तुहाडे अगे यूके दे विच खिलाड़ी सच दा ऑर्गनाइजर अगर कोई भी मेरा भरा मेरा वीर मैं पहला मैं अपना कहना कि मेरा कोई भरा वीर मेरा कोई मुखालफ नहीं अगर कोई मैं समझदा जे किसी दिलदारी की मैं उहदे कोई माफी मंगदा मगर प्लीज़ एक कबूतर परवीर वास्ते एक ऐसा रस्ता बनाओ कि देखो जिस टाइम भरा मैं अगर फिर कह रहा गलतियां सब कुल हो जाए माफ बंदा कर सकता है जाती मुहालफत असी किसी का कोई कतल नहीं किसी किए मगर जेड़े जेड़े ऑर्गनाइजर हो जेड़े जे सचदा हो प्लीज़ इस कबूतर परवीर बचान से इंशाल्लाह असी कुछ सचदा कट्ठे हो के तुहानू फोन करांगे तो असी एक बड़ा दावा मेहमान बन के तुहाडे कोल आना हक की गल करांगे आके दलाल विच हक विच जिस तुसी अगर तुहाडे नाल इंसाफ ना किया उस दिन मैं कबूतर परवीर नूं यूके दे विच मैं खुद यकीन करो जिस तरह मैं प्यार ना तरीके दसा मैं गल सुन के ना यकीन करो वक्ति गया मेरे अखर के थ्रू पर पूछो क्यों आते ने कि जे असी इस कबूतर पर युग मेहनत की है तो मैं सिर्फ यह करा कि यार हर सत्ता हर खिलाड़ी उन्होंने देखो बूटे लाने दो त्रे कि साढ़ा दुनिया तो चला गया है ठीक है एक तमूर बाहर बैठे है परमिंग में जो बैठे हुए हैं भाई अमृत बैठे हुए हैं अगर अच्छे साढ़े को चलो मैं ही समझ लो जो अच्छ मेरे को गलती हो जाती है मैं कोई ऐसी गलती कर दिया यदा मतलब कि मैं माफ़ी के काबल नहीं आखिर मैं छाई भी तो की कबूतर पर भी जे अच्छ तुम्हारों बस सोच यही दे रहा अगर तुहाडे दिल में जो अल्लाह सोने याद भी करते हो जे तुसी परवर कबूतर परवीर नूं प्यार करदे हो तो मैं इन्ना जानना जिहड़ा कबूतर परवीर नूं प्यार करदा ना वह कबूतर परवीर नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो जिहड़ा कबूतर परवीर नुकसान करदा उसका फिर मैं वास्ते यही कह सकना कला पाक उन्हें दह दे क्यों कि इस शौक नूं असीं बड़ी मुश्किल परवान चढ़ाया है तो तुहाडे अगे मैं रिक्वेस्ट करना आ प्लीज़ देखो अज दो तीन साल हो गए ने मैं किसी फंक्शन क्यों नहीं आया कि मेरे आने वाला अगर किसी भरा का कद निका होता मैं आख्या बेहतर है कि मैं ना जावा तो कबूतर परवीर इस वास्ते कबूतर परवीर होंगी है कि दिल वड्डा करके जो तुम किसी कबूतर परवीर भरा इज्जत देंगे हो तो तुहाडा जरफ उत्ते जाता है तो मैं हूँ भी कहवा प्लीज़ अपना जरफ वड्डा करो सोच वड्डी करो गलतियां सब को हो जाएं ने जाति ना जी प्लीज़ देखो एक कबूतर परवीर हक में अगर भाई आबदे को बहना दलायल है ना मैं एक उस्ताद हाँ ठीक है मैं बुढ़ा हो चला हाँ मेरे अपना मेरे कजन मेरे अकील बास से नदीम असमान जानते हैं इस शौक के मैं कुल्लिया तो शुरू होया बाजिया खेलता रहा फिर बुजुर्गों तू झिड़कियां पईयां ने मगर मैं टूर्नामेंट शुरू किए ने कबूतर परवीर का हर असूल समझने ऐसे बेस से अगर भाई आबद ने जी वर्ती तो समझ लो जो किसी की है जी उन्हें कोई ऐसी गल होगी वो मैं सोरी करा मगर हक की गल है भाई आबद की जी उन्हें गल दसी है भाई आबद की छत कभी भी किधरे भी एज ए मैं उस्ताद अपना कह रहा जोड़ा मैं सुने मैं फैसला अपना मैं दे नहीं रहा फैसला मैं थोड़े को लैना थोड़े ना बैठ के लैना गल करके कायल करके तुम मैं कायल करना फिर असी फैसला देना
ਉਂਝ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਬਦ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਪੁਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਸੱਯਦਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਰਗਾ ਸੁਣਨੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਬੇਦੇ ਵੇ ਪੈਗਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬਜਾਏ ਲੱਤ ਚਿੱਕਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਕਿ ਉਹ ਤਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੋੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਲੈ ਦੀਏ, ਦੁਆ ਦੇ ਵੀ ਦੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਸਦਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਵ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਢਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਇਆ ਅਮਲ, ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਸਭ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਰਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨ ਜੀ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਜਦ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ